नमस्कार धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आऊं, बट ये जो इलेक्शंस हैं इनके कारण लगातार जो आचार संहिता लगती है, जिसके कारण होता क्या है, करंट अफेयर्स में उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड काम का न्यूज होता नहीं है कि मैं बार बार आप सभी के सामने लेकर आ सकूं। हालांकि मैंने क्या किया है, पूरे जून माह का 1 से लेकर 30 तारीख तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, उसको आप सभी के लिए कंपाइल कर लिया है और उसी का ये वीडियो जो है मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। अब आप कहोगे सर आज 30 तारीख की सुबह है, आज का करंट अफेयर्स कहां से ले आए, तो भाई 29 तारीख तक का है, जो एक दिन का छूटा है उसको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा। नहीं तो अगर मैं 30 तारीख को रात को वीडियो बनाऊंगा तो आपको वीडियो मिलेगा फिर 1 तारीख को, और मुझे 30 को ही वीडियो देना था, इसीलिए 29 तक का कंटेंट है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है कि चित्रकूट जलप्रपात, जो कि कहां पर है आप सभी को पता है, बस्तर जिले में है। कौन सी नदी के ऊपर है, तो इंद्रावती नाम की नदी के ऊपर है। ये इंद्रावती वही नदी है जिसको कहते हैं क्या, बस्तर की जीवन रेखा। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वहां पर हमारे देश का सबसे बड़ा ग्लास का ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, इसको सही तरीके में देखें ना तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैंटीलिवर स्काई वॉक। इसका एक फोटोग्राफ आप यहां पर देखिए, कैंटीलिवर डिजाइन पहले समझाता हूं, समझिएगा। कैंटीलिवर डिजाइन जो होती है ना, वायर फंस गया मुझे ऐसा लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कैंटीलिवर डिजाइन जो होती है उसमें एक वर्टिकल सरफेस पर हम किसी भी प्रकार की बीम कह लो या जो कह लो, उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। मुद्दा यहां पर एक ही चीज ध्यान रखना कि कैंटीलिवर डिजाइन में फिक्स एक ही तरफ से किया जाता है, बाकी अगर इधर सपोर्ट देना है तो ऊपर से दे सकते हैं, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं रहता। यही कैंटीलिवर डिजाइन है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये कैंटीलिवर है, स्लैब भी बन सकता है, बीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैंटीलिवर डिजाइन समझना, वर्टिकल सरफेस से सपोर्ट देंगे, यहां एक साइड से नीचे सपोर्ट नहीं रहता, चाहो तो ऊपर से रस्सी लगा सकते हो, रोप लगा सकते हो, केबल लगा सकते हो, जो लगा सकते हो। ठीक, तो ये है कैंटीलिवर डिजाइन। अब इसी कैंटीलिवर डिजाइन में कांच का ऐसा स्काई वॉक बनने वाला है। कहां पर बनेगा, चित्रकूट में। अब होगा क्या, मान लीजिए नीचे जलप्रपात है, आप इस स्काई वॉक पर खड़े होइए, आगे तक जाइए, तो आगे तक जाकर आप जलप्रपात का और भी बेहतरीन नजारा जो है उसको क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, ये जो कैंटिलीवर स्काई वॉक बनने वाला है इसकी लंबाई होगी 150 फीट। ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा जो कैंटिलीवर स्काई वॉक है ना कांच का, वो केरला में है, और केरला के इडुकी में वागामोन नाम की जगह है, वहां पर वर्तमान में क्या है, देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काईवॉक ग्लास का ब्रिज है। लगभग 120 फीट इसकी क्या है, लेंथ है। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा स्काईवॉक वाला कैंटिलीवर ब्रिज है कांच का, 120 फीट उसकी क्या है, लेंथ है, और हम छत्तीसगढ़ में जो बनाने वाले हैं उसकी होगी 150 फीट। मतलब ये हो जाएगा भारत का सबसे लंबा ग्लास का ब्रिज। समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत इजी था, इसमें क्वेश्चन बनेगा एकदम बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या बनाइएगा, तो सीधा पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा स्काईवॉक का ब्रिज कहां है, आंसर लगाइएगा चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर जिला छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पे मैंने ये देखा है, यही वो समय रहता है कि सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए एक लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन करते हैं। अब उनके साथ समस्या क्या होती है, उनकी पढ़ाई का सीक्वेंस शेड्यूल कुछ अलग होता है, और जो टेस्ट सीरीज है उसका सीक्वेंस और शेड्यूल कुछ अलग होता है, जिसके कारण स्टूडेंट जो है कुछ दिनों के बाद टेस्ट सीरीज को तिलांजलि दे देता है, और तिलांजलि देने के बाद क्या करता है, वो टेस्ट सीरीज जैसा तैसा पड़ा रहता है, स्टूडेंट अपने फ्लो में पढ़ता रहता है। मतलब कायदे से स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज के लिए पैसे तो खर्च किए,
लेकिन उसको एक रुपए का फायदा जो टेस्ट सीरीज का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इसी समस्या के समाधान के रूप में धारा जीएस आपके लिए इस बार लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। हमको पता है कि स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए हर टेस्ट सीरीज के लिए या टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट के लिए, और इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने टेस्ट सीरीज के प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम लोग गाइडेंस वीडियो लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? गाइडेंस वीडियो। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए इस संडे को टेस्ट में आने वाला है भारत का आधुनिक इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, तो एक हफ्ता पहले आपको हमारा गाइडेंस वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम ये बता देंगे कि आपको छत्तीसगढ़ की मॉडर्न हिस्ट्री और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, कैसे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी पूरी जानकारी के साथ एक डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो जो है हम लोग क्या करेंगे आपको दे देंगे। अब उस वीडियो को आप देख लो और आपके पास पूरा हफ्ता भर समय है, आप समय निकाल के टेस्ट सीरीज की तैयारी को कर लो। इससे होगा क्या, आप हर एक सब्जेक्ट पर फोकस के साथ बहुत अच्छे से तैयारी के साथ पेपर दे पाएंगे, जिससे कि आपके टेस्ट सीरीज में ही भी अच्छे नंबर आएंगे और प्रीलिम्स में भी आप कालांतर में बहुत अच्छे नंबर लेकर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, अगर इस टेस्ट सीरीज को आप देना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों ही मोड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिएगा, ऑनलाइन की अगर हम चर्चा करें तो धारा जीएस का हमारा एप्लीकेशन है, आप सभी जानते हैं, इसको जाइए और गूगल का जो प्ले स्टोर है हमारा, गूगल का प्ले स्टोर, वहां जाकर इसे डाउनलोड करिए। साथ ही एप्लीकेशन के डाउनलोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जाकर इसे प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करेंगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगा, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो सेंटर्स हैं, एक रायपुर और दूसरा दुर्ग। तो दुर्ग और भिलाई के जो छात्र हैं ना, उनकी काफी डिमांड आ रही थी कि सर हम लोग के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आइए करके। तो ध्यान रखेंगे, दुर्ग में एकांत लाइब्रेरी है, उसके सौजन्य से हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। न्यू आदर्श नगर में डोमिनोज पिज्जा के ऊपर इनका ब्रांच है, आप इन नंबर्स पर उनसे संपर्क कर सकते हैं, दुर्ग और भिलाई वाले छात्र। बाकी रायपुर वाले छात्र हमारे नंबर्स पर, इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए उसको ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए तो एप्लीकेशन है ही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो हमारा टॉपिक था उसी से संबंधित कुछ डिटेल मैं लेकर आया हूं। डिटेल है किसका, चित्रकूट जलप्रपात का। ध्यान रखना, पेपर नंबर 6 की बात अगर मैं करूं और उसमें भी पार्ट 3 की बात करूं मैं, तो पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ का पर्यटन वाला पार्ट आता है, जिसमें सीधा सीधा 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में आपको चित्रकूट जलप्रपात के बारे में लिखने को दे सकता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि मेंस में एक बार इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित जलप्रपातों के बारे में लिखने के लिए आ ही चुका है। इंद्रावती रिवर के ऊपर जो वाटरफॉल्स है उनके बारे में मेंस में ऑलरेडी लिखने के लिए आ ही चुका है। तो थोड़ा सा चित्रकूट जलप्रपात को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के बारे में ध्यान रखना, ये उड़ीसा के काला हांडी नामक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलती है, पर्वत का नाम है मुंगेर। क्या नाम है? मुंगेर। ठीक, तो मुंगेर पर्वत, मुंगेर हिल, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा से निकली कौन सी नदी, इंद्रावती। और इसी नदी पर बस्तर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसी पर यह चित्रकूट जलप्रपात है। अगर इसके आकार की बात करो, इसके शेप की बात करो, तो बिल्कुल ये घोड़े की नाल के जैसा है, मतलब ये हॉर्स शू शेप का ऐसे आकार वाला है। समझ में आया? अच्छा, चौड़ाई या विड्थ की बात करेंगे तो देखिए, गूगल करिएगा तो मिलेगा 300 मीटर्स। कितना मिलेगा इसका चौड़ाई? 200। अगर आप डॉक्टर एल एन वर्मा की बुक को पढ़ोगे, ठीक है,
हिंदी ग्रंथ अकेडमी पब्लिकेशन की बुक है इनकी, डॉक्टर एलएन वर्मा की, छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसमें चौड़ाई दी है 200 मीटर्स। कितने दी है? 200। तो भैया सरकारी वाली पुस्तक में 200 लिखा है, इसलिए 200 मैं मान रहा हूं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, चौड़ाई 200 मीटर मान लेते हैं। ठीक, इसको कहा जाता है भारत का नायग्रा। क्यों कहते हैं? क्योंकि नायग्रा जलप्रपात को जब आप देखेंगे ना, तो उसका भी आकार ऐसे ही घोड़े की नाल के जैसा है, और ऐसा ही चौड़ा सा वो जलप्रपात है, वॉटरफॉल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नायग्रा के जैसे दिखने के कारण इसको भारत का नायग्रा कहा जाता है। किसका नायग्रा कहा जाता है? भारत का नायग्रा। ठीक है, खासकर आप देखना मॉनसून सीजन में जब इंद्रावती में अच्छा खासा पानी रहता है, तो इसका जो वॉटरफॉल है, जलप्रपात, आपको बिल्कुल लालपन में देखने को मिलेगा। कलर कैसे दिखता है? रेडिश दिखता है। और इसके बारे में एक फेमस कहावत है कि पूर्णिमा के दिन देखेंगे तो जलप्रपात जो है उसका पानी दूध के जैसा क्या दिखता है? सफेद दिखता है। तो ये सब रंग को, लाल और सफेद को मेंस में नहीं लिख के आना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपको मेंस में क्या लिखना है? तो जो पूछा गया वही लिखना है मेरे भाई, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। क्लियर? तो चित्रकूट जलप्रपात के बारे में भी मैंने क्या किया, आपको थोड़े बहुत डिटेल्स जो है वो बता दिए। चलिए नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल, अगर आप इनको नहीं जानते तो हिंदी भाषा के ये फेमस कवि हैं, पोएट और उपन्यासकार, नॉवलिस्ट। ठीक है, जन्म इनका हुआ कहां? राजनाथ। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहां हुआ? राजनाथ गांव में। बहुत फेमस इनके बारे में बात 2023 में इंटरनेशनल लिटरेचर के लिए इनको द पेन नाबोकोफ अवार्ड मिला है। पेन नाबोकोफ अवार्ड मिला है। अब क्यों अभी न्यूज में है? तो ध्यान रखना, इनकी जो कविताएं हैं, किनकी? विनोद कुमार शुक्ल जी की। उन कविताओं का अनुवाद किया है अंग्रेजी भाषा, मतलब इंग्लिश में। अनुवादक कौन है? अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। और ना सिर्फ अनुवाद किया, अनुवाद करके उनका क्या किया? संकलन किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ना सिर्फ ट्रांसलेट किया, बल्कि उनका क्या कर लिया है? संकलन भी कर लिया है। और ये जो संकलन करने से कविता का संग्रह बना, समझ में आया? उसका नाम रखा गया है ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। क्या रखा गया है? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। समझ में आया? तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन क्या बनेगा? सीधा सीधा आपको पूछेगा कि ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक हिंदी भाषा के किस कवि की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है? आंसर क्या लगाइएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक कविता संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, या ऐसा पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया और कविता का संग्रह क्या कहलाया। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको दिख सकते हैं। सब किस में दिखेंगे? एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही दिखने वाले। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, CCPL, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, BCCI से मान्यता प्राप्त किया, क्या था? टूर्नामेंट था। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने इसको क्या है? करवाया। इसका आयोजन 7th ऑफ जून से लेकर 16th ऑफ जून तक रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। मजे एक बात बताऊं, हमारे स्टेट में फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इसको कराया गया। अब इससे क्या फायदा होगा? तो सीधा सा बात है, जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी होगी उतने ज्यादा खिलाड़ी लगेंगे। तो खिलाड़ी कहां से आएंगे? छत्तीसगढ़ से। तो यहां के जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको क्या मिलेगा? मौका मिलेगा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट को दिखाने का। तो हो सकता है आगे चल के कि परमानेंट तौर पर क्रिकेट को वो क्या कर सके? अपने करियर के रूप में एक्सप्लोर कर सके, देख सके। ये इसका क्या था? उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था।
अब इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सुरेश रैना। अब सुरेश रैना जी के बारे में क्या ही बोलूं, सब के सब आप लोग जानते हो, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में कितनी टीम्स थी? तो छह। ध्यान रखना, नीचे बस्तर संभाग से चालू करता हूं तो बस्तर बाइसंस नाम की एक टीम थी, शशांक चंद्राकर क्या थे, उनके कैप्टन थे। अब बस्तर संभाग से ऊपर आइए तो रायपुर और दुर्ग संभाग अगल बगल, तो रायपुर संभाग में आएंगे तो रायपुर राइनोस, अमनदीप खरे क्या थे, इनके कैप्टन। इवेंचुअली रायपुर राइनोस ने फाइनल भी जीता, ठीक है। अब रायपुर संभाग के बाद बगल में दुर्ग संभाग में आइए तो आपको मिलेंगे राजनांदगांव पैंथर्स और अजय मंडल क्या थे, इनके कैप्टन। दुर्ग और रायपुर संभाग के ऊपर बिलासपुर संभाग है। बिलासपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग था जिसमें से दो टीम शामिल थी, एक बिलासपुर बुल्स, छत्तीसगढ़ के फेमस खिलाड़ी शशांक सिंह बिलासपुर बुल्स के क्या थे, कप्तान। और फाइनल बिलासपुर बुल्स और रायपुर राइनोस के बीच में था जिसको रायपुर राइनोस ने जीता, ठीक है। और बिलासपुर संभाग से दूसरी टीम क्या, तो रायगढ़ लायंस, शुभम अग्रवाल इनके कैप्टन थे। और सरगुजा संभाग से एक तो टीम, आशुतोष सिंह उसके क्या थे, कैप्टन, सरगुजा टाइगर्स नाम की वो टीम थी, ठीक है। कुल मिला के कितने मैचेस हुए थे? 18 मैचेस हुए, जिसमें से फाइनल मैच जो था वो बिलासपुर बुल्स और रायपुर राइनोस के बीच में था, और विजेता बने कौन, रायपुर राइनोस जिनके कैप्टन अमनदीप, ठीक है। अच्छा, ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब प्री में ज्यादा काम आ सकता है, या किसी ऐसे एग्जामिनेशन में जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर होता है, जैसे व्यापम का कोई परीक्षा हो गया या पीएससी में भी कोई ऐसी परीक्षा हो गई जहां पर सिर्फ एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं। क्या आ सकता है? तो पूछेगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण कहां हुआ, रायपुर। कब से कब तक हुआ, तो 7 जून से 16 जून। विजेता कौन था, रायपुर राइनोस। अगला क्वेश्चन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सुरेश रैना। इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक जानकारी आपको और दे दूं, अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी करने की सोच रहे हैं कि अब तैयारी मुझे शुरू कर देनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया सी गाइडेंस मिल जाए जिसमें ना सिर्फ आपको पढ़ाया जाए बल्कि आपके प्रोग्रेस पर ध्यान भी दिया जाए, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई से धारा जीएस में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। बैचेस सीजीपीएससी में प्री प्लस मेंस के लिए भी हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के भी बैच हैं, सिर्फ मेंस के भी बैच हैं, और व्यापम का फाउंडेशन बैच भी है। बैच सुबह और शाम दोनों ही टाइम पर है, सुबह 7:30 से 10 बजे की पाली होती है, शाम को 5:30 से 8 बजे की पाली होती है। अगर आप इसमें प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको क्या है, मिल जाएगा, ठीक। प्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी यूएसपी मैं आपको बताऊं, अगर आप प्री प्लस मेंस बैच में हाइब्रिड क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, हाइब्रिड का अर्थ ये है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं, तो अगर इस कोर्स में आपने एडमिशन लिया तो आप ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं टिल सिलेक्शन, सिलेक्शन तक आप ऑफलाइन क्लास आ सकते हो, कोई रोक टोक आपके साथ नहीं है। एक और बढ़िया बात बताता हूं, प्री प्लस मेंस के बैच में ऑनलाइन वैलिडिटी भी हम देते हैं 2 वर्षों की 2 इयर्स की। समझ में आया? तो बहुत सारी यूएसपीज हैं हमारी, जिनमें से सबसे खास बात है कि प्री प्लस मेंस के इंटीग्रेटेड बैच में ऑफलाइन आप आ सकते हैं टिल सिलेक्शन, ऑनलाइन की वैलिडिटी 2 वर्ष की है। एक और बढ़िया बात बताऊं, हमारे पास ऑनलाइन में लाइव और रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा है। इसकी खासियत यह है कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो लाइव उसी क्लास का मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे बैच का पुराने बैच का दे देंगे, और रिकॉर्डेड भी वही क्लास का होगा जो लाइव हुई थी, मतलब आपकी ही क्लास जिस क्लास में बैठे थे उसी का रिकॉर्डिंग मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि दो साल पुराना रिकॉर्डिंग उठाए और आप लोग को पकड़ा दिए कि लो रिकॉर्डेड देख लेना, ऐसा कोई काम नहीं है। समझ में आया? तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा है, उसमें लाइव कौन सी होती है? जिस क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हैं वही क्लास लाइव होगी और वही क्लास रिकॉर्ड होगी, पुरानी क्लासेस आपको बिल्कुल नहीं दी जाएंगी। ठीक, तो ऑनलाइन बस लेना चाहो ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को एक साथ लेना चाहो तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया? हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से इसकी पढ़ाई आपको कराई जाएगी। डिटेल में जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल किया जा सकता है। अच्छा, अगला टॉपिक है भाई क्या, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव का परिणाम। तो 4 जून डेट था, वर्ष था 2024, परिणाम घोषित हुए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 10 किसने जीती? बीजेपी ने, और एक जीती किसने? कांग्रेस ने। सच्चाई बताऊं तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है वो तो मैं बना ही चुका हूं, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि शायद आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जाइए करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देखिए, ठीक है। बट फिर भी जब मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो इस महीने में छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट तो बनता था, तो एटलीस्ट मैं क्या करता हूं, ये 11 लोकसभा और यहां से जीते जो सांसद हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं किस लोकसभा की, तो कोरबा लोकसभा की। कोरबा लोकसभा बनाना है कुछ मत करना, कोरिया डिस्ट्रिक्ट लेना, मनेंगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट लेना, इसके साथ गौरेला पिंडरा मरवाही डिस्ट्रिक्ट ले लेना और कोरबा डिस्ट्रिक्ट ले लेना। मैंने क्या कहा, तो मैंने ये कहा कि शुरुआत करिएगा किस जिले से, कोरिया, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर गौरेला पिंडरा मरवाही और बच गया कौन सा जिला, कोरबा। तो इन चारों जिलों के जितने भी लोकसभा है, सॉरी जितने भी विधानसभा हैं सबको अगर आप मिला दो तो बन जाता है आपका कौन सा लोकसभा, कोरबा लोकसभा। और कोरबा लोकसभा से सांसद कौन है, श्रीमती ज्योत्सना महंत। पार्टी क्या है, कांग्रेस। ये एकमात्र सीट है जो कांग्रेस ने जीती है, एकमात्र सीट जिसको कांग्रेस ने जीता है छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव में, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद क्या करना, सरगुजा लोकसभा की बात करें तो क्या क्या करना भाई, तो एक लेना जिला सूरजपुर, फिर लेना बलरामपुर, फिर जिला ले लेना कौन सा, सरगुजा। तो मैंने क्या कहा भाई, सूरजपुर ले लो, बलरामपुर ले लो और ले लो सरगुजा, जो बन गया यही क्या है आपका, सरगुजा लोकसभा। तो ये सूरजपुर लिया, बलरामपुर लिया, सरगुजा लिया, कौन सी लोकसभा बन गई, ये आपकी सरगुजा लोकसभा। और यहां से सांसद कौन, तो नाम है श्री चिंतामणि महाराज, ठीक है। चलिए अब क्या करिएगा, रायगढ़ लोकसभा पर आते हैं, आप क्या करिएगा, पूरा लीजिएगा जशपुर जिला, फिर वर्तमान का रायगढ़ और साथ में सारंगढ़ विधानसभा, ध्यान रखना सारंगढ़ बिलेगढ़ पूरा जिला मत ले लेना। मैंने क्या कहा आपको, तो मैंने कहा कि आप लीजिए क्या, पूरा का पूरा जशपुर जिला, वर्तमान का रायगढ़ और सारंगढ़ वीएस बोले तो विधानसभा, इतना बड़ा ये आपका क्या है, रायगढ़ लोकसभा, सांसद श्री राधे श्याम राठिया, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या बता दूं, वैसे तो बिलासपुर भी बता सकता हूं यहां पे, लेकिन जगह नहीं बच रहा है आपको, मैं जांजगीर चांपा बता देता हूं, यहां पे आ जाएगा जांजगीर चांपा।
तो जांजगीर चांपा लोकसभा की बात करेंगे ना, तो क्या करिए, वर्तमान का जांजगीर चांपा और वर्तमान का तख्ती, ये दो डिस्ट्रिक्ट लिए, फिर बिलाईगढ़ विधानसभा और बिलाईगढ़ विधानसभा के साथ आप लीजिए कसडोल विधानसभा। क्या क्या कहा मैंने, मैंने कहा वर्तमान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट लीजिए, जांजगीर चांपा, फिर लीजिए क्या सख्ती, इसके बाद क्या लीजिएगा, तो आप लीजिएगा यहां से कसडोल और बिलाईगढ़ का विधानसभा, कसडोल विधानसभा, बिलाईगढ़ विधानसभा और जांजगीर चांपा सख्ती। ध्यान रखेंगे इतना सा बस, बिलाईगढ़ विधानसभा नहीं है, बिलाईगढ़ विधानसभा इस ब्लैक लाइन के इस पार भी है, ये ब्लैक लाइन तो जिले का बॉर्डर है, ठीक है। और यहां से कौन है भैया सांसद, तो हैं श्रीमती कमलेश जांगड़े, पार्टी क्या है इनकी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो कितना टू लोकसभा देख लिए, एक दो तीन चार, आगे देखते हैं क्या करिएगा, जिला उठाइएगा बिलासपुर और मुंगेली, तो मुंगेली और बिलासपुर ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, इनके अंदर जितनी भी विधानसभा है सबको मिला लो, बन गया आपका लोकसभा, कौन सा, बिलासपुर लोकसभा, कौन सा लोकसभा है, बिलासपुर लोकसभा। और ये जो बिलासपुर लोकसभा से है, यहां से सांसद हैं श्री तोखन साहू, पार्टी बीजेपी, ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है इनको, देखेंगे अभी इनके बारे में डिटेल में, ठीक। तो मुंगेली बिलासपुर मिला के बिलासपुर लोकसभा। एक यहीं पे और बता देता हूं, क्या डिस्ट्रिक्ट लीजिएगा, कबीरधाम, फिर लीजिएगा खैरागढ़ छुई खदान गंडई, फिर राजनांदगांव मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इन सब को अगर मिला दो, क्या क्या नाम, कबीरधाम खैरागढ़ छुई खदान गंडई राजनांदगांव मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तो चार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विधानसभा हैं सबको मिलाओ, सब मिला के बनता है कौन सा, राज नाथ गांव लोकसभा। और ये जो राजनाथ गांव लोकसभा है ना, यहां से सांसद श्री संतोष पांडे, श्री संतोष पांडे, पार्टी बीजेपी, ठीक। चलो भाई आगे बताते हैं आपको, नेक्स्ट क्या करिएगा, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट पूरा लीजिए और लीजिए दुर्ग, तो आपने क्या किया, दुर्ग जिला पूरा लिया, बेमेतरा जिला पूरा लिया, इन दोनों जिलों को मिला के जितना भी विधानसभा है सब मिला के बनता है क्या आपका, कहां पे लिखा जाए, कहां पे लिखा जाए, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, चलो यहां लिख देता हूं, यहां से ले जा रहा हूं, देखना इसकी बात कर रहा हूं, ठीक। ये आपका है दुर्ग लोकसभा, श्री विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं यहां से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्या करिएगा, बलौदा बाजार और भाटापारा, ये दोनों विधानसभा लीजिए और पूरा का पूरा रायपुर जिला लीजिए, क्या क्या लिए, बलौदा बाजार विधानसभा, भाटापारा विधानसभा और उसके साथ पूरा पूरा रायपुर जिला, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बन गया क्या, रायपुर लोकसभा।
और यहां से श्री ब्रज मोहन अग्रवाल सांसद हैं। पार्टी क्या है इनकी? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, फिर आइए, क्या करिएगा, पूरा जिला लीजिए महासमुंद, फिर धमतरी के खुरुद और धमतरी दो विधानसभा और पूरा गरियाबंद जिला। तो महासमुंद पूरा, गरियाबंद पूरा, महासमुंद पूरा, गरियाबंद पूरा, दो विधानसभा, कौन सा? खुरुद विधानसभा, धमतरी विधानसभा। ये आपने ले लिया ना, ये बन जाएगा आपका महासमुंद लोकसभा। और यहां से सांसद हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। क्या पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। चलो भाई, फाइनली यहां पे एक और बता देता हूं, पूरा जिला लेना क्या? बालोद। पूरा कौन सा जिला लेना? बालोद। पूरा लेना कौन सा जिला? कांकेर। फिर आना केशकाल विधानसभा और धमतरी जिले का सिहावा विधानसभा। ठीक है, क्या क्या लिए? पूरा बालोद जिला, पूरा कांकेर, सिहावा विधानसभा और ये केशकाल का विधानसभा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका कांकेर लोकसभा है, सदस्य श्री भोज राज नाग, पार्टी बीजेपी। क्या पार्टी है? बीजेपी। तो यहां कितने देखे थे? एक दो तीन चार, चार लोकसभा देखे थे। यहां कितने देखे? एक दो तीन चार पांच छह, तो छह और चार दस, लास्ट ग्यारहवा जो बच गया, मतलब केशकाल को छोड़ दो, कोंडागांव विधानसभा, बाकी पूरा का पूरा बस्तर संभाग। ठीक है, तो ये कैसे लेंगे इसको मैं समझा रहा हूं ना, दो मिनट बना लेने दो, फिर हड़बड़ ही अजन करना नहीं, गड़बड़ हो जाता है पढ़ाई में, जो हड़बड़ी करता है ना, गड़बड़ी उसी से होता है। कांकेर तो लेना मत, क्योंकि कांकेर लोकसभा आप क्या है देख चुके हो। तो क्या क्या बचा? ये आपका कोंडागांव विधानसभा, नारायणपुर पूरा जिला, बीजापुर पूरा, दंतेवाड़ा पूरा, सुकमा पूरा और बस्तर जिला पूरा। ये पूरा पूरा बना आपका क्या? बस्तर लोकसभा। और सांसद श्री महेश कश्यप। क्या पार्टी है? पार्टी है इनकी भारतीय जनता पार्टी। समझ गए? तो 11-11 सांसद अपन ने देख लिए। फिर से कहता हूं कि इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में है, उसको एक बार जाकर देखें। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट श्री तोखन साहू, इन्हीं के बारे में बात हो रही थी मैं जब आपको बोला था बिलासपुर से। तो तोखन साहू जी के बारे में ध्यान रखना कि सबसे पहले बिलासपुर लोकसभा से ये सांसद निर्वाचित हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और वर्तमान में आवास एवं शहरी विकास, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। समझे कि नहीं समझे? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद ये सातवें ऐसे सांसद हैं जो कि मंत्री के पद पर हैं। ठीक है कि नहीं है? तो मंत्री का दर्जा पाने वाले ये सातवें सांसद है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। कहां पे मंत्री का दर्जा? केंद्र में है, केंद्र में, लेकिन राज्य मंत्री है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर इसमें डाउट होता है कि केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के बीच में क्या अंतर होता है, तो मुझे बताओ
इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बताना भाई मुझे कमेंट करके। समझ में आया? तो हैं केंद्र में लेकिन राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री कौन? तोखन साहू जी, लोकसभा बिलासपुर। और केंद्र में मंत्री का दर्जा पाने वाले छत्तीसगढ़ गठन के बाद ये सातवें सांसद हैं। कौन से नंबर के? सेवेंथ। अच्छा, क्वेश्चन की अगर बात करो तो इसमें से सीधा सीधा एमसीक्यू बनेगा, पूछेगा भाई आपको कि छत्तीसगढ़ के किस सांसद को आवास और शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आंसर क्या लगा के आइएगा? श्री तोखन साहू। समझे कि नहीं समझे? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप, असल में हुआ क्या, 25 से 30 मई 2024 तक असम के गुवाहाटी में नेशनल म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ठीक है, तो असम में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टेडियम तेपेसिया गुवाहाटी में है, वहीं पर हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चार जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मिला? गोल्ड मेडल। और तीन खिलाड़ी जो हैं उनको क्या मिला है? कांस्य बोले तो ब्रॉन्ज। समझे कि नहीं समझे? किनको किनको मिला है? तो स्वर्ण पदक विजेता राजकुमार हैं, दिव्या अग्रवाल हैं, तोशी पांडे हैं, समिता अग्रवाल है। ठीक, तो कौन कौन? राजकुमार, दिव्या अग्रवाल, तोशी पांडे और समिधा अग्रवाल। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले शुभांश मानिकपुरी, प्रवीण जायसवाल और अर्चित केशवानी। तो चार गोल्ड, तीन ब्रॉन्ज। क्वेश्चन क्या बनेगा? नेशनल म्यूथाई चैंपियनशिप इस साल कहां आयोजित हुई? असम में। कब से कब तक आयोजित हुई? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले? सात। चौथा क्वेश्चन, कितने गोल्ड मिले? तो ये पांचवा ऐसा क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के पांच क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, चार पांच। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि नाम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना डिटेल नहीं जाएगा कि नाम से पूछे। ये पूछेगा कब हुआ, कहां हुआ, छत्तीसगढ़ ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड मेडल जीते। और बहुत नाम ही याद रखना है ना, तो एटलीस्ट गोल्ड वालों का नाम याद रख लेना, क्या पता काम में आ जाए। तो राजकुमार है, दिव्या अग्रवाल है, तोशी पांडे, समिधा अग्रवाल। ठीक, तो ध्यान आपको यहां तक रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ हम विविध वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। छोटी मोटी न्यूज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कामकाजी जो श्रमिक हैं उनको उनके ही कार्यस्थल के आसपास किफायती दर में भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केंद्र जो है उनको प्रारंभ किया जा रहा है। कहां? रायपुर, कोरबा, कुनकुरी। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पहले कितने मॉडल श्रम अन्न केंद्र थे, और रायपुर, कोरबा और कुनकुरी इन तीन जगहों पर खुलने के बाद अब कितने हो गए? समझ में आया? और आप सभी कमेंट करके भैया बताया करो, तब तो मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ध्यान रखना, 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं अजय सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पक्का पूछेगा आपको किसी भी होने वाले एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखना, अजय सिंह जी। अजय सिंह जी के बारे में एक बात और, इससे पहले छत्तीसगढ़ में ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक न्यूज है एक फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है अभिषेक कुंजाम। अभिषेक कुंजाम जो है ना वो राम कृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी से संबंधित हैं, मूलतः कांकेर जिले के रहने वाले हैं। इनका चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है, जो कि जुलाई के मंथ में इंग्लैंड में होने वाले लीग फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेगा। ठीक है,
इंग्लैंड में जो लीग फुटबॉल हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किस टीम ने किया? ईस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ का कौन सा खिलाड़ी शामिल था? अभिषेक कुंजाम। किस संभाग से संबंधित है? बस्तर। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर से आप सभी को वही जानकारी टेस्ट सीरीज के बारे में कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आपको डर है कि वर्तमान पढ़ाई और टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बीच में आप पिस जाएंगे और टेस्ट सीरीज को छोड़ देंगे, जैसा कि लगभग 80% छात्रों के साथ होता है, तो फिकर नॉट। धारा जीएस आपके लिए एक ऐसा शानदार सा सॉल्यूशन लेकर आई है जिसमें हम आपको प्रत्येक टेस्ट से 1 वीक पहले गाइडेंस वीडियो लेक्चर्स देंगे। और ये जो गाइडेंस वीडियो लेक्चर्स है ना, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से कैसे करनी है, रणनीति आपको बताएंगे कि वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ताकि इन सब चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद आप सब्जेक्ट की तैयारी कर सके। अब जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, छत्तीसगढ़ का एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास है फैक्चुअल और स्टूडेंट रटते रटते मरते रहते हैं, लेकिन कोई उनको ये बता दे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में से प्राचीन इतिहास की अगर बात करोगे तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो स्टूडेंट हो सकता है कि उसको स्किप भी कर दे और दूसरे सेक्शन पर ध्यान दे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी छात्र को हम गाइडेंस वीडियो में देंगे। ये नहीं कहेंगे कौन सा सेक्शन छोड़ना है, हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सा सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपको किस प्रकार से बेहतर तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर उपलब्ध है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए 2 सेंटर्स हैं, एक रायपुर में हमारा सेंटर जो कि कहां पर है, अपने सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने अनुपम गार्डन के बगल में KFC के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, आप डायरेक्ट आ जाओ या नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर। दुर्ग में भी ऑफलाइन हम लोग ये टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करा रहे हैं एकांत लाइब्रेरी के सौजन्य से। ठीक है, ध्यान रखेंगे एकांत लाइब्रेरी कहां पर है, तो न्यू आदर्श नगर जो है ना दुर्ग का, वहीं पर डोमिनोज के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ये लाइब्रेरी है, तो नंबर्स इनके भी दिए हैं, ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन धारा जीएस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं YouTube पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सकता है। अच्छा, आईफोन वाले टेंशन मत लो, कुछ दिक्कत होगा तो मेरे को इस नंबर पे फोन करना एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं फिर परेशान होंगे। ठीक, चलिए लास्ट कुछ न्यूज देख लेते हैं। अदिति भटपहरी रायपुर की है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इंजीनियर है। ठीक है, तो बॉलीवुड फिल्म हमारे 12 में ये लीड रोल में होने वाली है, तो ये सीधा सीधा आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है। इसके अलावा रामगढ़ महोत्सव जो कि होता है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, 2 दिवसीय होता है, इस बार 22 और 23 जून 2024 को हुआ है, आसानी से याद रख लेना 22-23 वर्ष 2024 है ना, ये वर्ष मंथ जून, 22-23-24 3 दिवसीय कर दोगे आप लोग, तो 22 और 23 2 दिन है, 24 वर्ष है, मंथ जून है। और फाइनली साहित्यकार रामेश्वर शर्मा, इनकी एक कृति है छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि, इसका क्या हुआ है विमोचन, इसका सेकंड संस्करण था। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये वीडियो जो है खत्म होता है, लेकिन मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर देना है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उसके रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज या सबसे लंबा ग्लास ब्रिज। फिर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग से क्वेश्चन है कि कौन इसके प्रथम संस्करण के विजेता हैं, और साथ ही में कौन अभिनेत्री हैं जो कि बॉलीवुड फिल्म हमारे 12 में लीड रोल में रहने वाली हैं। इसी के साथ ये वीडियो मेरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर इस वीक में अच्छे से न्यूज आया तो मेरा जो करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यू रहेगा। कब आता है तो हमारे इस चैनल पर संडेस के दिन सुबह 10 बजे।
ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब से ये वीकली चलता रहे और कुछ ना कुछ हम और आप मिलकर डिस्कस करते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगा और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।